बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के असंवेदनशील बयान की, जिन्होंने कोटा के जेके लोन अस्पताल में पिछले एक महीने में 77 बच्चों और पिछले एक दिन में 10 नवजात बच्चों की मौत पर कहा कि इस साल बच्चों की कम मौत हुई है, ये कोई नई बात नहीं। अशोक गहलोत के इस असंवेदनशील बयान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया का ये बयान सुनकर उनका मन आहत हुआ है। ये बयान उन माओं के जख्मों पर नमक है जिनकी कोख कोटा के अस्पताल में सरकारी लापरवाही की वजह से सूनी हो गई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि ये उन माओं के जख्मों पर नमक है। कोटा के अस्पताल में बच्चों की असमय मौत हो रही है और राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हर रोज अस्पतालों में मौतें होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए आपको अगर आंकड़े बताऊं आपको, मैं सबसे कम जाने 6 साल में इथल गई है, सबसे कम जाने गई है। ये आपको लगता है क्योंकि कोई बात मौत एक भी होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है बच्चे की मौत होना, पर मौतें 1500 भी हुई एक साल के अंदर, 1400 भी हुई है, 1300 भी हुई है, इस साल करीब लगभग 900 हुई है। पर 900 क्यों हुई है, क्यों हो, मौत एक भी नहीं होनी चाहिए। तो पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, हर अस्पताल के अंदर 3-4-5-7 मौतें होती है, प्रतिदिन होती है, कोई नई बात नहीं। जयपुर में भी होती है, मैंने पूरी तरह वहाँ जांच करवाई है, एक्शन भी कम कर रहे हैं। अभी एक रोज पहले ही इस मामले पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर हमला बोला था। वो राजस्थान में उनकी सरकार है। आज ही अभी मैं खबर पढ़ रहा था, कोटा में एक हॉस्पिटल में पिछले एक महीने में 77 बालकों का मृत्यु हुआ है और पिछले 48 घंटे में 10 मौतें हुई है। राहुल गांधी को अगर जाना ही है तो वहां जाए, देखे और अपने सरकार को सुधारे। 2014 में यहां 1198, 2015 में 1260, 2018 में 1005 और 2019 में अब तक 940 बच्चों की मौत हो चुकी है। कोटा से संजय वर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।